डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। आज हम पढ़ रहे हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा था उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिंस, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एंड देन इन पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट के पेपर में अब तक आए हुए हैं, जितने आपका नीट या AIPMT के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसकी इस सब्जेक्ट का इन टॉपिक्स को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन से पहले भी उसकी जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी अमीनो एसिड। क्योंकि जो आपका प्रोटीन है वो तो आपका एक टाइप का पॉलीमर है जिसमें अमीनो एसिड की बहुत सारी यूनिट्स आपकी जुड़ती हुई चली जाती हैं। तो अगर अमीनो एसिड की बात करें तो ये क्या है, तो देखिए इसके तो नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अमीनो मतलब कि इसमें आपका अमीन ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और एसिड, एसिड तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं, मतलब वो कंपाउंड्स, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप ये मान लीजिए कि वो कंपाउंड्स जिनमें NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और COH भी ग्रुप प्रेजेंट होता है बट सेम कार्बन से अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक कार्बन है, इस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसी कार्बन से एक आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और एक आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब तीन ग्रुप्स तो आपके फिक्स हैं जो प्रेजेंट ही होते हैं। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है जिसको मैं बोल रही हूँ R ग्रुप, ये R ग्रुप आपका चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आपका ये R ग्रुप चेंज होगा आपका अमीनो एसिड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसी अकॉर्डिंग आपका जो अमीनो एसिड है उसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि जो ये आपका R ग्रुप है ये क्या है, आपका हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, ये आपका ग्लाइसिन है। अगर इसी R ग्रुप पे आपका क्या हो जाए, हाइड्रोजन की बजाय CH3 ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये आपका एलानिन है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे जैसे R ग्रुप्स आपके चेंज होते जाते हैं आपका जो अमीनो एसिड का नाम है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मेन जो चीज थी ये तो थे आपके अमीनो एसिड्स। अब जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो भी आपके तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक होता है आपका एसिडिक अमीनो एसिड और एक होता है बेसिक। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं और कौन से न्यूट्रल हैं, और किस बेसिस पे आपने इनको ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो देखिए अगर आप न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो अमीनो एसिड्स जिनमें एक आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और एक ही आपका COH ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने दोनों आपको एग्जांपल्स दिए, तो वो जो आपका ग्लाइसिन है या फिर जो आपका एलानिन है, दोनों ही क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अगर एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे आप कहेंगे कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो NH2 ग्रुप से ज्यादा टाइम होगा, ठीक है। अब मतलब की बात समझ नहीं आई तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपका एक अमीनो एसिड होता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब इसके तो नाम से ही पता चल रहा है एसिड मतलब ये एसिडिक अमीनो एसिड है, या फिर आपका एस्पार्टिक एसिड हो गया, ठीक है। इनमें जो ये आपका R ग्रुप होता है वो क्या होता है, तो देखिए अगर ग्लूटामिक एसिड के R ग्रुप की बात करूं तो ये हो गया आपका CH2, ये क्या है आपका R ग्रुप है। अब ये R ग्रुप आपका एक कार्बन से अटैच्ड है जहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। ये मैंने कंप्लीट आपका जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर बना दी। जब आप इस स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे COH ग्रुप क्या है, ज्यादा, और NH2 ग्रुप कम है। तो यही तो मैंने लिखा कि एसिडिक अमीनो एसिड्स वो होंगे जहाँ पे COH ग्रुप आपके ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू दी NH2 ग्रुप। तो उसका एग्जांपल आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया या फिर एस्पार्टिक एसिड। जो आपका एस्पार्टिक एसिड होता है उसमें एक कार्बन एटम यहाँ पे कम होता है, मतलब इस कार्बन से डायरेक्ट CH2 COH ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो सिंपल, जिनमें NH2 ग्रुप ज्यादा होगा COH के कंपैरिजन में, तो उनको हम क्या बोल देंगे कि वो हैं आपके बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे आपका आर्जिनिन है, क्या है आर्जिनिन, तो ये क्या होता है, आपका एक बेसिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका टायरोसिन है तो ये भी आपका एक बेसिक अमीनो एसिड है। अब अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जैसे आर्जिनिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका जो मतलब आर ग्रुप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ये आपका कार्बन NH2 ग्रुप, देन कार्बन से नेक्स्ट NH, देन आपका CH2 ग्रुप 3 टाइम्स होता है, देन आ जाएगा आपका CH NH2 ग्रुप एंड COH। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक NH2 ग्रुप तो था ही, उसके अलावा आपका NH2 ग्रुप और भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये आपका एक बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। मतलब आपको ये ध्यान देना है जो आपकी ये बेसिक जो यूनिट है इसको छोड़ करके जो आपका आर ग्रुप है, क्या इस आर ग्रुप में कोई कार्बोक्सिलिक या फिर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। अगर उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एसिडिक होगा, अगर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बेसिक होगा, और अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वो आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम। वैसे ज्वेट्राइन पे आपके नीट वगैरह में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट मैं जस्ट आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ज्वेट्राइन होती क्या है, ठीक है। मे बी आपने बहुत बार ज्वेट्राइन या फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में सुना होगा। तो जैसे कि आपका ये क्या है, आपका एक जनरल अमीनो एसिड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, COH जो कि एक एसिड है जिसकी टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोजन जो है आपका H पॉजिटिव जो प्रोटोन है उसको लूज कर सकता है, जबकि NH2 ग्रुप जो कि आपका बेसिक है उसके पास क्या टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं जब ये इस टाइप से एग्जिस्ट करें, R CH, जो आपका कार्बोक्सिलिक है उसने क्या किया, H पॉजिटिव को रिलीज किया, और जो आपका NH2 ग्रुप है उसने H प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो कंपाउंड बनता है जो कि आपकी क्या बन गई, एक डायापोलर आयन बन गई, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपके दो चार्ज है, डायापोलर आयन बन गई, और इसी डायापोलर आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन, ठीक है। और जिस पीएच पे, देखिए अब एक स्पेसिफिक पीएच ही होती है जिस पे आपकी ज्वेटर आयन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो हम बोलेंगे कि जिस पीएच पे ज्वेटर आयन एग्जिस्ट करती है उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, दैट पीएच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। वरना इससे कम पीएच या इससे ज्यादा पीएच पे वो आपकी डिफरेंट टाइप से एग्जिस्ट करती है। किस टाइप से एग्जिस्ट करती है एक बार वो भी देख लेते हैं। अब जैसे ये आपकी ज्वेट्राइन है, ठीक है, मान लीजिए इस ज्वेट्राइन में आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ पे एच पॉजिटिव को ऐड कर दिया या फिर आपने इसमें OH नेगेटिव को ऐड किया, अगर आप बेस ऐड कर रहे हो तो मतलब आप जो पीएच है बेसिक मीडियम की तरफ जा रहे हो तो आप पीएच को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, और यहाँ पे पीएच एच पॉजिटिव ऐड कर रहे हो तो मतलब पीएच को डिक्रीज कर रहे हो। तो जब आपने एच पॉजिटिव ऐड किया तो एच पॉजिटिव क्या करेगा, ये इस कार्बोक्सिलेट आयन को प्रोटोनेट कर देगा, तो यहाँ पे ये कंपाउंड आपका इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, जो आपका अमीनो एसिड था ये हो गया, तो ये अब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड आपकी स्पीशीज है, ठीक है। देन अगर बेसिक मीडियम की बात करूं तो ये क्या करेगा, जो आपका नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन था उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपका ये नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब जब इस पीएच से हम बिल्कुल मूव किए एसिडिक पीएच की तरफ जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज की तरह एग्जिस्ट करेगा, बेसिक पीएच की तरफ जाएंगे तो ये आपका नेगेटिव एनायन की तरफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपका जस्ट एक इंट्रोडक्शन, ज्वेटर आयन क्या होती है और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। इसके बाद क्या आपके जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी भी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा तो हमने देखा था कि जनरली जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, ठीक है, और उनमें उनका जो OH ग्रुप था उसकी भी एक कॉन्फ़िगरेशन थी कि आपका जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में रहेगा या आपका OH ग्रुप राइट साइड में रहेगा। तो इसी तरीके से जो आपके अमीनो एसिड्स हैं इनकी अगर जनरली या फिर नेचुरली देखें तो जो आपके अमीनो एसिड्स हैं इनकी एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सबसे कॉमन होती है। तो ये याद रखिएगा कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं और अमीनो एसिड्स हैं इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो क्या होती हैं, आपकी अपोजिट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसकी एल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, मतलब किस बेसिस पे हमने इसको एल और आर कॉन्फ़िगरेशन की बात की।
तो देखिए, जब आपको पता है कि जब आपको किसी भी कंपाउंड को फिशर प्रोजेक्शन में लिखते हैं, तो जो आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होता है वो आपका टॉप प्रायोरिटी पे आता है। तो यहाँ पे जो COH ग्रुप है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये आएगा आपका सबसे ऊपर। और ये जो आपकी फिशर प्रोजेक्शन होते हैं, इसमें हमारा ये कहना होता है कि जो ये आपकी वर्टिकल जो चेन है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने चाहिए। तो मतलब जो आपका आर ग्रुप है वो भी कहाँ पर आएगा, इसी वर्टिकल पे आएगा। तो अब आपके पास क्या बचे, दो ग्रुप्स बच गए, एक बच गया आपका हाइड्रोजन और एक क्या बच गया आपका NH2। तो कल हमने ये बोला था कि जब आपका OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, डीकॉन्फिग्रेशन बोल रहे थे, राइट। तो आज हमारे पास OH नहीं है, बट हमारे पास क्या है, NH2 ग्रुप। अब अगर आज आपने NH2 ग्रुप को राइट साइड में रखा और हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में रखा, तो ये होगी आपकी डीकॉन्फिग्रेशन। और अगर आप इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं, जहां पर NH2 ग्रुप को मैंने लेफ्ट बोला, हाइड्रोजन को राइट बोला और यहाँ पे आपका R ग्रुप, तो ये हो जाएगी आपकी L कॉन्फिग्रेशन। ओके, तो ये तो थे आपके अमीनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन। अब अमीनो एसिड्स से आपके प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो देख लेते हैं। देखिए, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं प्रोटीन्स, जब आप प्रोटीन्स की क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, पहले पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं। प्रोटीन से ब्रेक होके मिलते हैं आपको पॉलीपेप्टाइड्स। जब फर्दर पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलते हैं पेप्टाइड्स, और जब इनके भी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी है कि आपको पता है अगर आपको प्रोटीन्स बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो कंबाइन होकर पेप्टाइड्स बनाएंगे, देन उन पेप्टाइड्स से पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन होगी एंड देन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। तो आपके पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं, तो जैसे कि आप, अगर मैं सिर्फ मतलब डायपेप्टाइड की ही बात करूं, जहाँ पे डायपेप्टाइड का मतलब है कि जो दो प्रोटीन्स हैं वो आपके रिएक्शन कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने दो प्रोटीन्स लिए, सबसे सिंपल दो प्रोटीन लेती हैं, एक है आपका ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन क्या होता है, ये हो जाएगा आपका NH2CH, यहाँ पे R ग्रुप क्या था आपका, हाइड्रोजन एंड देन COH। और नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, एलानिन, तो एलानिन में क्या था आपका NH2CH, और R ग्रुप क्या था यहाँ पे आपका CH3 एंड देन COOH। तो जब आपके दो पेप्टाइड्स यहाँ पे क्या, और दो अमीनो एसिड्स जब आपके रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन किस टाइप से करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो CO जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से आपका OH ग्रुप जाता है और यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैं बोलूं कि यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज N2H CHH। ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड, हो किससे अटैच होगा, इस NH से, तो यहाँ पर आएगा आपका NH CH CH3 COOH, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सिर्फ यही डायपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो सकती है क्या, मतलब जरूरी है कि ग्लाइसिन का ही COH एनालिन के NH2 के साथ रिएक्शन करे, अपोजिट भी तो हो सकता है ना, कि जो एलानिन है इसका COH ग्लाइसिन के NH2 के साथ रिएक्शन करे, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका एलानिन है इसको आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मतलब NCH CH3, देन आएगा आपका COH, उसके बाद जो आपका ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है आप इसको लिखेंगे, दैट इज CH2 COH। अब यहां से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक नया पेप्टाइड। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपके दोनों डायपेप्टाइड्स बने हैं दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, राइट। कैसे, यहाँ पे जो आपका NH ग्रुप है इससे आपका एलानिन का R ग्रुप अटैच हो रहा है, जबकि यहाँ पे CH2 COH, तो दोनों ही पेप्टाइड्स आपके क्या बने हैं, डिफरेंट बने हैं। जब आप इनको लिखेंगे तो ये है आपका ग्लाइसिन एलानिन का पेप्टाइड और ये है आपका एलानिन ग्लाइसिन का डायपेप्टाइड की फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये अराइज हो जाता है कई बार कि जो आपके प्रोटीन्स हैं या अमीनो एसिड्स जब बाइंड करते हैं या फिर आपके पॉलीपेप्टाइड्स जब बनते हैं, तो इनके बीच में बॉन्डिंग क्या होती है या कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड,
कौन सा होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, और आपका पेप्टाइड बॉन्ड है कौन सा, ये जो बॉन्ड है CONH, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये आपका कौन से बॉन्ड से बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद जब भी आपके पेप्टाइड्स बनते हैं तो हमेशा पेप्टाइड का जो आपका स्टार्टिंग का, मतलब अगर स्टार्टिंग का अगर आप इधर से देखते हैं लेफ्ट साइड से, तो आपका एन टर्मिनल होगा और राइट साइड में आपका सी टर्मिनल। एन टर्मिनल का मतलब है कि यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप होगा और यहाँ पर आपका COH ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है आपका एन टर्मिनल और वहां पर क्या रहता है आपका सी टर्मिनल, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसी टाइप से जब आपके पेप्टाइड्स बाइंड करते चले जाते हैं तो आपके प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम यहाँ पे आपके जो प्रोटीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पे चार टाइप के स्ट्रक्चर्स होती हैं आपकी। पहली प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आती है, देन आपके टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स आती हैं। तो अब एक बार हम उन स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली जो आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर होगी उसको आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कि जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो आपके क्या करते हुए चले जाते हैं, ज्वाइन होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब कौन सा प्रोटीन बन रहा है वो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपका पहले स्टार्टिंग में कौन सा प्रोटीन आएगा, देन कौन सा प्रोटीन। तो इस टाइप से जो आपके प्रोटीन्स की एक चेन जो है, एक लंबी सी चेन बनती हुई चली जाती है, जैसे जैसे आपके जो अमीनो एसिड्स हैं वो उनसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक फर्स्ट अमीनो एसिड आता है NH2, देन आएगा आपका CH, यहाँ पे उसका कोई R ग्रुप होगा, देन क्या आएगा आपका C डबल बॉन्ड NH, क्योंकि दूसरे अमीनो एसिड से बाइंड कर गया, तो फिर क्या आएगा आपका CH, ये उसका कोई R डैश ग्रुप आ जाएगा, देन आएगा आपका C डबल बॉन्ड ONH, देन आ जाएगा आपका यहाँ पे CH कोई नेक्स्ट R ग्रुप, देन C डबल बॉन्ड ONH। तो इस टाइप से जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते हुए चले गए, बाइंड होते हुए चले गए। तो ये तो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देन इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है कि जो ये आपके अभी अमीनो एसिड्स ज्वाइन होते गए हैं और इन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली है, अब इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में क्या होने वाली है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली। देखिए सबसे मेन जो क्वेश्चंस आपके अराइज हो जाते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी अल्फा हेलिक्स, ठीक है, एक तो क्या होती है आपकी अल्फा हेलिक्स होती है, एंड सेकेंड होती है आप की बीटा प्लीटेड, ठीक है। ये दो टाइप की आपकी स्ट्रक्चर्स होती है। अब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड जो शीट स्ट्रक्चर होती है, ये आपकी शीट टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी हम वो देखेंगे। देखिए दोनों ही केस में, जो चाहे आपका अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लीटेड हो, दोनों में ही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, बट किस टाइप से होती है। देखिए अल्फा हेलिक्स तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे आप स्क्रू को रोटेट नहीं करते हैं, अगर मैं स्क्रू के रोटेशन की बात करूं तो आप स्क्रू को कैसे रोटेट करते हैं, इस टाइप से आपका स्क्रू रोटेट होता है। तो यहीं पर आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन होती है। किस टाइप से बनते हैं अभी देख लेते हैं। अब जो ये आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है, ये कुछ इस टाइप की बनती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर आपकी स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके CONH ग्रुप्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, ये आपका था यहाँ पे, ये क्या था, यहाँ पे आपका एक कार्बन प्रेजेंट था, इस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। अब इस ग्रुप ने क्या किया, जब आपका नेक्स्ट रोटेशन आया, यहाँ पे था आपका नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ऊपर की तरह शो हो रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे एक और आपका CO ग्रुप है, इस CO ग्रुप ने क्या किया, नेक्स्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। तो जो आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये चेन क्या करती है, आपकी ट्विस्ट करती है,
ठीक है, और जब ये ट्विस्ट कर रही होती है तो इस टाइप से ट्विस्ट करती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे उतनी ही ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी गेन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बीटा प्लेटेड शीट की, तो देखिए होता इसमें भी सेम है, इसमें भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही बनते हैं, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसमें बनेंगे कि आपकी एक शीट है, मतलब एक आपकी जो पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है, देन आपकी सेकंड पॉलीपेप्टाइड्स की चेन आएगी। अब इनके बीच में इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब इसका जो सीओ है वो यहाँ पे जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इस केस में क्या हो रहा था कि आपका एक ही जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वही ट्विस्ट हो रही थी और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही थी, जबकि बीटा प्लेटेड में मैंने बोला कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन आएंगे और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, किस टाइप से वो भी देखते हैं अभी। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपकी शीट ये थी, एक शीट ये थी, एक ये, तीन पॉलीपेप्टाइड्स की आपकी चेन है। अब जैसे फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है यहाँ पे क्या था आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, देन ये जो सी डबल बॉन्ड है ये जो आपकी नेक्स्ट शीट है उसके एनएच के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली इस जो सेकंड शीट है इसका सी डबल बॉन्ड जो है ओ है ये फर्स्ट शीट के एनएच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और सेकंड शीट का सीओ इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो इस टाइप से आपकी बीटा प्लेटेड जो शीट की स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है, जहाँ पे जो आपकी दो तीन शीट्स होती हैं ये आपस में क्या कर रही होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही होती हैं। तो ये जो आपके बॉन्ड्स बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, आपके इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। देन जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन चुकी है इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है वो होती है आपके टर्शरी, ठीक है। टर्शरी में क्या होता है कि जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई है वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेती है, मतलब और ज्यादा इसमें फोल्डिंग होती है, और लास्ट में आपकी बनती है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स। तो देखिए प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अगर आपके क्वेश्चन बनते भी हैं तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे ही बनते हैं। तो देखिए हमने अमीनो एसिड से बोले प्रोटीन्स ये हमने पढ़ लिया, तो इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं दो चार एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं, देन उसके बाद हम मूव करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स पे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, कह रहा है कि जो प्रोटीन्स में बहुत सारे आपके अमीनो एसिड्स जब लिंक करते हैं तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन में पहले दे रहा है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखिए जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये मैंने कल ही आप कि अगर लास्ट क्लास आपने देखी होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट पार्ट था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपकी दो शुगर्स जब ज्वाइन होती है, लाइक अगर आपका ग्लूकोज ही है, ठीक है, जब आपके दो ग्लूकोज यूनिट्स बाइंड करते हैं, अगर दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं तो वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, अगर वो बीटा ग्लूकोज जुड़ रहे हैं, दोनों ही बीटा फॉर्म्स जुड़ रही हैं, तो वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है ये आपके शुगर्स में होती है, डेटिव बॉन्ड जिसका दूसरा नाम होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी एक स्पीशी होती है वो पूरा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है दूसरी स्पीशीज को जिसके पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो कि आपके अमीनो एसिड्स में बनता है। किस टाइप से बनता है, जैसे कि अगर मैं जनरल ही बात करूं, ये आपका एक अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड आपका जो दूसरा अमीनो एसिड होगा उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। तो बॉन्डिंग किस टाइप से करता है, यहाँ से आपका जो एक वाटर मॉलिक्यूल है ये एलिमिनेट हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो जाएगा तो उसके बाद ये बन जाएगा आपका CHR सी डबल बॉन्ड ओ NH। ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है इसी बॉन्ड फॉर्म इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं कि ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ये अमीनो एसिड्स में बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय, देखिए अभी हमने बताया कि जो आपके सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं उनमें दो टाइप की स्ट्रक्चर बनती है आपकी, एक बनती है अल्फा हेलिक्स और एक बनती है आपकी बीटा प्लेटेड शीट,
ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि दोनों ही, चाहे अल्फा हेलिक्स हो या फिर आपका बीटा प्लेटेड शीट हो, दोनों में ही क्या होता है, जो आपकी स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसमें आपकी एक ही हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और इसमें आपकी दो तीन शीट्स होती हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, वो किससे स्टेबलाइज हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जो आपका बी ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से आ गया आपका पेप्टाइड पे। कह रहा है कि कौन से स्ट्रक्चर है जो पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब सेम आपके जो अमीनो एसिड्स हैं उन्हीं में ये स्ट्रक्चर बनती है। तो सिंपल सा है कि पहले आप क्या कीजिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो दो अमीनो एसिड्स लीजिए और उनसे पेप्टाइड चेन बना करके देख लीजिए। जैसे मैं आपका एक जनरल अमीनो एसिड लेती हूँ, तो स्टार्टिंग में क्या होता है आपका एक NH2, देन हमने बोला CH, जिससे कोई आपका R ग्रुप प्रेजेंट है CUH, ये नेक्स्ट अमीनो एसिड से आपका जुड़ेगा CUH। तो यहां से क्या होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो आपको पता है कि फर्दर आगे भी रिएक्शन होगी, ये भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाएगा, तो हम करेंगे डैश। इस नाइट्रोजन ने किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो ये आ गया आपका NH। ये कार्बन पे दो ग्रुप्स अटैच्ड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे जो बॉन्ड है उनको सिर्फ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम भी क्या बनाएंगे यहाँ पे इस टाइप से बॉन्ड रिप्रेजेंट। देन नेक्स्ट आएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ NH, देन आपका कार्बन जिससे दो बॉन्ड अटैच्ड होंगे एंड देन सी डबल बॉन्ड ओ। तो देखिए यहाँ पे आपके सीक्वेंस क्या आ रही है, आप जस्ट एक बार सीक्वेंस को देखिए कि NH कार्बन CO NH कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहला अगर देखूं तो यहाँ पे क्या है आपका NH देन CO देन NH, तो ये तो है ही नहीं, CO और NH के बाद आपके दोनों ही तरफ एक एक कार्बन आना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये तो आपका बिल्कुल भी अरेंजमेंट नहीं है, गलत है। नेक्स्ट की बात की जाए तो पहले कह रहा है NH CO, ओके, देन उसके बाद तीन कार्बन एक साथ आ गए, तीन कार्बन एक साथ नहीं आएंगे आपके, CO NH बॉन्ड आने के बाद एक कार्बन आएगा, फिर दोबारा से CO NH आएगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी गलत हो गई। नेक्स्ट पे चले तो पहले बोल रहा है NH, ठीक है, देन एक कार्बन आ गया, ओके, देन CO NH आना चाहिए, तो CO NH आ गया, फिर बोला एक कार्बन आ गया, ठीक है, देन CO NH बिल्कुल करेक्ट, देन सिंगल कार्बन, देन CO NH, देन सिंगल कार्बन, यही तो रिपीटेशन है अगर आप ध्यान से देखेंगे, CO NH सिंगल कार्बन, देन CO, फिर NH, फिर सिंगल कार्बन, CO NH सिंगल कार्बन। तो जो C ऑप्शन है ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि D ऑप्शन में भी तो देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से आपके क्या आ गए, दो कार्बन आ गए, देन CO NH के बाद आपके दो कार्बन आ गए, जो कि गलत है। तो जो C ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन है, बोल रहे हैं विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड CO NH, CO NH बॉन्ड के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो CN की बॉन्ड लेंथ है प्रोटीन्स में वो लॉन्गर देन होती है यूजुअल CN बॉन्ड से, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखिए अगर आप इस पेप्टाइड बॉन्ड को देखेंगे सी डबल बॉन्ड एन H, तो यहाँ पे आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा इस लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट कर देगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब जो आपका कार्बन और नाइट्रोजन है राइट, ये क्या कर रहा है आपका डबल बॉन्ड करेक्टर कैरी कर रहा है। अगर इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी डिक्रीज होगी, जबकि जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। तो इन्होंने बोला कि जो आपका CN की बॉन्ड लेंथ है प्रोटीन्स में इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, गलत है। तो बॉन्ड लेंथ तो हमारी स्मॉल हुई है, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, यूजुअल CN से लॉन्ग होती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, गलत स्टेटमेंट है। तो मतलब जो ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक है वो एनालाइज कर रहा है शो प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ CUNH, कि जो CUNH ग्रुप है उसकी क्या है प्लेनर स्ट्रक्चर। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इस कार्बन को देखेंगे तो कार्बन क्योंकि एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो कार्बन आपका क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपकी क्या बनाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर ही तो बनाता है, ट्रायगोनल प्लेनर,
ओके तो ये तो प्लेनर कंपाउंड है आपका। नेक्स्ट अगर मैं इस नाइट्रोजन पे मूव करूँ, क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में दे रहा है यहाँ पे, इसलिए ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इस नाइट्रोजन की भी क्या होगी, प्लेनर। तो ओवरऑल ये जो आपका कंपाउंड है ये प्लेनर स्ट्रक्चर ही बनाएगा। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी, सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या थी आपकी, इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो CN बॉन्ड लेंथ है प्रोटीन्स में इज स्मॉलर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN, जो यूजुअल CN की बॉन्ड लेंथ होती है उससे छोटी है प्रोटीन्स की CN बॉन्ड लेंथ। बिल्कुल करेक्ट है, यही तो स्टेटमेंट मैंने भी दी, हमने भी बताया यही कि इनकी कॉन्जुगेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका सी स्टेटमेंट है ये भी क्या है, करेक्ट है। और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो ए स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट थी, तो इसलिए जो ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, तो देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक है आपका DNA और एक क्या है RNA, ठीक है। DNA में आपको पता है आपकी जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस, ये होती है आपकी डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि इसके फुल फॉर्म ही क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये है आपकी राइबोस, शुगर होती है इसमें क्योंकि ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। शुगर की अगर मैं बात करूँ कि कौन सा डीऑक्सी राइबोस है और कौन सी राइबोस है, तो देखिए 5 मेंबर की रिंग होती है आपकी इस टाइप से, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं राइबोस और शुगर की बात करूँ, तो ये आता है आपका OH ऊपर की तरफ, देन नीचे की तरफ OH, देन नीचे की तरफ OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ये है आपकी बीटा डी राइबोस, ठीक है। ये क्या है आपकी बीटा डी राइबोस। जब आपको डी ऑक्सी राइबोस बनाना है, तो डी ऑक्सी राइबोस का मतलब है कि जो आपका सेकेंड कार्बन है वहां से आप OH ग्रुप को रिमूव कर देंगे, मतलब ये जो आपका कार्बन है ये OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो इस शुगर को हम क्या बोल देते हैं, डीऑक्सी राइबोस। बाकी सारे के सारे ग्रुप्स आपके सेम रहेंगे, बस वहां पे जो OH ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, हाइड्रोजन में। तो इसको आप बोलेंगे ये है आपका बीटा डी डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। देन आपको पता है कि जो आपका डीएनए और आरएनए है ये किस टाइप से फॉर्म होते हैं, तो ये आपके शुगर होती है, ये तो क्या बात हुई आपकी शुगर की। देन जो आपके शुगर है उससे क्या बनते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइड्स में होता है आपका शुगर प्लस बेस। देन न्यूक्लियोसाइड से आपके क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में होता है आपका शुगर प्लस बेस प्लस क्या होता है यहाँ पे आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही। तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर और बेस होता है, टाइड में शुगर बेस और फॉस्फेट तीनों ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बेस की बात करूँ, तो आपको पता है कि जो आपका बेस है ये दो कैटेगरीज में जाते हैं, एक होते हैं आपके प्यूरीन बेस, एक होते हैं प्यूरीन, और देन एक होते हैं आपके पायरिमिडीन। प्यूरीन जो बेसिस होते हैं इनमें आपके दो आते हैं, एक आता है आपका एडेनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आता है आपका ग्वानिन जिसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर अगर पायरिमिडीन की बात करूं, तो इसमें एक होता है आपका यूरासिल दैट इज यू, देन एक आता है आपका थायमिन जिसको कैपिटल टी बोलते हैं, और एक होता है साइटोसिन कैपिटल सी। अब ये बात करें कि डीएनए में कौन से बेस आते हैं और आपके आरएनए में कौन सा बेस आता है, तो सबसे पहले मैं डीएनए की बात करूं, तो देखिए डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन तो दोनों ही आते हैं, इवन आरएनए में भी आपका एडेनिन और ग्वानिन, मतलब जो प्यूरिन के दो बेसिस हैं वो दोनों में आते हैं। क्वेश्चन उठता है कि पायरिमिडीन के कौन कौन से बेस आते हैं, तो देखिए पायरिमिडीन में अगर मैं सबसे पहले डीएनए की बात करूं, तो उसमें आपका साइटोसिन आता है और थाइमीन आता है। यूरासिल जो है वो आपका डीएनए में नहीं आता, यूरासिल किस में आता है आपका आरएनए में आता है, और आरएनए में एक आपका साइटोसिन आता है। ये चार बेस आपके आरएनए में आते हैं और ये चार बेस आपके डीएनए में आते हैं। देन जब आपके डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है, तो आपको पता है कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसमें भी आपकी किस टाइप से फॉर्मेशन होती है, आपकी जो हेलिक्स है वो कुछ इस टाइप से बनती है लाइक, ठीक है। देन आपका जो दूसरा हेलिक्स है वो आपका कुछ इस टाइप से आ जाता है,
यहाँ पे जो ये आपके बेस हैं, ये यहाँ पे क्या बनते हैं, आपके बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि आपका एडेनिन है, तो जो आपका एडेनिन है ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, थाइमीन के साथ। तो यहाँ पे आपका एडेनिन डबल बॉन्ड से थाइमीन से अटैच हो जाएगा, जबकि जो आपका साइटोसिन है ये ग्वानिन से अटैच होता है। तो जो आपका साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से बनता है। जो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एडेनिन और थाइमिन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन में आपके तीन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये तो थी आपके किसमें, डीएनए में। अगर वहीं पे आरएनए में बात करें तो आरएनए में भी ए जो है, क्योंकि अब ए के लिए टी नहीं है यहाँ पे, तो जो आपका ए है वो यूरासिल के साथ चला जाएगा और जो आपका सी है दैट इज साइटोसिन, वो ग्वानिन के साथ अपने बेस पेयर्स बना लेते हैं। तो ये जो बेस पेयर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड्स में ज्यादा चीजें आपको नहीं डिटेल में नहीं पढ़नी है, आपके जो मोस्टली क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, अब अगर इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो जैसे आपका नीट 2016 में ही एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको आरएनए और डीएनए के रिगार्डिंग एक करेक्ट स्टेटमेंट देनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो शुगर कंपोनेंट है आरएनए में, अब देखिए आपको पता है कि शुगर आरएनए में, अगर शुगर की बात की जाए तो देखिए बहुत सिंपल सा है, आर तो मतलब ये है आपकी राइबोज, और यहाँ पे डीएनए में क्या है, डी, तो सिंपल डी ना, तो आप बोलेंगे इसको डीऑक्सीराइबोज। ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग अल्फाबेट से ही आपका शुगर है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि आरएनए में राइबोज है और शुगर कंपोनेंट डीएनए में टू। सेकंड पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि सेकंड पोजीशन पे आपका ओएच ग्रुप चला जाता है, तो टू प्राइम डीऑक्सीराइबोज है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि आरएनए में अरेबिनोज है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है कि आरएनए में टू डीऑक्सीराइबोज है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, और देन आरएनए में अगेन अरेबिनोज, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत हो गई। जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इसका राइट आंसर है। तो देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि 2007 AIPMT में आया हुआ है। कह रहा है कि जो आपका आरएनए और डीएनए है ये कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनकी जो कायरलिटी है वो किस वजह से होती है। कह रहा है कि क्या आपकी कायरलिटी एल शुगर कंपोनेंट की वजह से होती है। तो देखिए आपका जो एल है ये आपका अमीनो एसिड्स होते हैं। एल क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स। मेनली जो आपकी शुगर है जो कि आरएनए और डीएनए में होती है दैट इज राइबोज शुगर, और मैंने आपको बताया था कि डी राइबोज होती है, वो भी बीटा डी राइबोज शुगर होती है आपकी। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन है गलत है क्या, क्योंकि ये शुगर तो होती नहीं है। नेक्स्ट है कायरल बेसिस। तो देखिए जो आपके बेस हैं इसमें जितने भी यूरैसिल एडेनिन ग्वानिन, कोई भी आपका कायरल बेस नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो आपके बेसिस हैं उनमें या तो आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड, या फिर अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है तो उस कार्बन पे आपके पे दो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आप बेसिस के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कोई भी कायरल कार्बन वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होता। देन है आपका जो कायरल फॉस्फेट एस्टर लिंकेज है, क्या उसकी वजह से होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है उसमें होता क्या है, यह आपका फॉस्फोरस देन डबल बॉन्ड ओ, ये ऑक्सीजन आपका जो आपका शुगर का कार्बन होता है उससे अटैच्ड होता है, देन ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, तो ये ग्रुप भी आपका यहाँ पे कायरल नहीं है। देन आता है डी शुगर कंपोनेंट। तो जो आपकी शुगर होती है वो क्या होती है आपकी, कायरल। जैसे कि अगर मैं राइबोज शुगर की ही बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका राइबोज बना रही हूं मैं, ओ एच एच देन आपका ओ एच एच ओ एच एच एंड देन आता है आपका CH2OH। क्या इस जो ये कंपाउंड है इसमें आपके जो कार्बन हैं ये तो आपके क्या है, कायरल है, क्योंकि हर एक कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, और ना ही इस कंपाउंड में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव हो गया इसी वजह से, तो मतलब कायरल मॉलिक्यूल की बात की थी इन्होंने, तो वैसे भी कायरलिटी की बात ही नहीं की, तो इस कंपाउंड में जो कार्बन है ये आपके कायरल है। तो डी शुगर जो कॉम्पोनेंट है इसकी वजह से आपका आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कायरल। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो सिंपल आपका जो आपके बेस पेयर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी मैंने बताया था कि जो आपका एडेनिन है वो किसके साथ जाता है, आपका थाइमिन के साथ जाता है, जबकि जो आपका साइटोसिन है वो किसके साथ जाता है, ग्वानिन के साथ जाता है, ये आपका पेयर होता है, राइट।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मतलब ए किसके साथ जाना चाहिए, टी के साथ, और सी जाना चाहिए जी के साथ। तो देखिए डी ऑप्शन में तो दोनों ए हैं, गलत हो गया आपका ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखेंगे तो ए के साथ जी जा रहा है, बल्कि ए तो थाइमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे ए के साथ सी, तो ये ऑप्शन भी गलत। अगर ए ऑप्शन को देखेंगे, ए टी जी और सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। जैसे मैंने अभी आपको कहा ही था कि जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं इन पे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीएनए जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बताइए। तो अभी मैंने आपके डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस भी बताए, उनके पेयरिंग भी बताई कि जो एडेनिन है वो किसके साथ जाता है, थाइमिन के साथ जाता है, साइटोसिन जो है वो आपका ग्वेनिन के साथ जाता है। यही चार बेसिस आपके डीएनए में होते हैं। यहीं पर अगर वो आपसे आरएनए पूछ लेता तो यहाँ पे आ जाता आपका यूरासिल किसके बजाय, थाइमिन को रिप्लेस करते हुए। तो एडेनिन ओके एंड थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन बिल्कुल सही है। देन कह रहे हैं ग्वानिन और साइटोसिन, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि नेक्स्ट में बी में आपको यूरेसिल दे रखा है जो कि आपका आरएनए में होता है, डी में भी यूरेसिल दे रखा है जो कि गलत हो गया। एडेनिन और ग्वानिन का पेयर नहीं होता, एडेनिन और थाइमिन का पेयर होता है। तो यहाँ पे भी जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट अगर वाइटामिन्स की बात करूँ तो वाइटामिन्स पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, दो चार ही क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है कि जो आपकी कौन से वाइटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्यूबल होती हैं, जो कि 2007 AIPMT का क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपकी वाइटामिन्स हैं, कुछ वाइटामिन्स होती हैं जो आपकी फैट सॉल्यूबल होती हैं, और कुछ वाइटामिन्स होती हैं जो आपकी वाटर सॉल्यूबल होती हैं। तो बस आप ये याद रख लीजिए कि वाटर सोल्यूबल कौन से वाइटामिन है, फैट सोल्यूबल तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। तो वाटर सोल्यूबल जो आपकी वाइटामिन हैं, इसमें आता है वाइटामिन बी और वाइटामिन सी, ये दोनों आपकी वाटर सोल्यूबल है। इसके अलावा चाहे आपकी वाइटामिन ए है, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई और के, चारों के चारों वाइटामिन्स क्या होती हैं, आपकी फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होती हैं। तो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल वाइटामिन की बात की तो हम ऑप्शन देखते हैं, वाइटामिन बी या सी में से कोई दे रखा है, तो हमें वाइटामिन बी दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। इसके अलावा यहाँ पे आपको इस चैप्टर में किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, थोड़ा सा ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो आपका वाइटामिन बी वन होता है, कुछ फेमस जो डिजीज होती है इसके डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, ठीक है। या फिर आपकी जो वाइटामिन सी है, अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करूं तो इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है, राइट। तो ये इस टाइप के जो आपके डिजीज है, या फिर जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वो आपको वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाती है। तो इस टाइप की जो डिजीज है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कई बार पेपर में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देन जो आपका एक क्वेश्चन और आता है, जो आपका वाइटामिन B12 का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो जो वाइटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आपका कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट होता है। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है सेंटर में, वैसे ही जो आपका वाइटामिन B12 होता है इसमें आपका कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट। ओके, तो ये जो आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर था वो आज हमने खत्म कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी की थी, जो कि आप देख सकते हैं अभी भी डाउटनेट के चैनल पे, और जो आपका सेकंड पार्ट था इसमें आज हमने न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स और जो आपके अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स हैं वो सारा कवर कर लिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।